इस समय मैं राष्ट्रीय राजमार्ग 927 के घाघरा घाट पुल पर खड़ा हूँ। यह वह घाघरा नदी है जो नेपाल से निकल कर आती है और आप देख रहे हैं कि इस समय यह नदी करीब करीब सूखी हुई है और जब यह नदी सूखी है तो यह चारागाह की तरह काम करती है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जानवर इसी नदी के अंदर उगी हुई घास पर चर रहे हैं। प्रकृति का यह द्वैधता जिसमें वह प्रकृति के साधनों को भी उपलब्ध कराती है और इस तरह की भी स्थितियां पैदा करती है जिसके कारण लोगों को प्राकृतिक रूप से चारा मिल सके। ये सामने अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल है। यह भी आश्चर्यजनक बात है कि अंग्रेज 75 साल पहले छोड़कर देश को चले गए, उससे भी 75 साल पहले का बना यह पुल आज भी उसी तरह खड़ा है। आप देख रहे हैं कि जब नदी सूखी है तो लोग नहाने के लिए भी आए हुए हैं, जानवर चर रहे हैं। और यह है भारत के अधिकारियों के द्वारा बनाया गया पुल जो हर 6 महीने पे ठीक किया जाता है, टूटता है। आप देख सकते हैं कि पुल पे जो सड़कें हैं वो बार बार, ये देखिए इसके पैचेस से आपको समझ में आ जाएगा कि ये सड़कें बार बार बनाई जाती हैं। यही अंतर है हमारे और अंग्रेजों के बीच में, जिन्होंने जब पुल अपना बनाया जबकि वो दूसरे देश में थे, वह भी इतना मजबूत बनाया जो आज भी खड़ा है। और एक तरफ भारतीयों के बनाया हुआ यह पुल है जिसकी धज्जियाँ उड़ रही हैं, जो उतना मजबूत नहीं है जितना मजबूत होना चाहिए। और हमें आज यही समझने की आवश्यकता है। मैं आलोक चांटिया, अखिल भारतीय अधिकार संगठन के लिए घाघरा घाट नदी राष्ट्रीय राजमार्ग 927 से।